खत्म हो चुकी है काइनेटिक्स की, स्टार्ट करना में स्टार्ट करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड और रेडियो एक्टिविटी। ये फिजिक्स का पार्ट है, इसको जितना केस होगा उतना हो प्लस अदरवाइज इतना सफिशिएंट है जितना हम करेंगे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिविटी कोई भी किसी भी नाम से बोल सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी नाम से न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसकी कौन सा फेनोमेना होगा? इट विल बी ए न्यूक्लियर फेनोमेना। क्लियर? इसके अंदर न्यूक्लियर फेनोमेना होगा, यानी न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होगा, न्यूक्लियस का जो एमिट करना है न्यूक्लियस से डील करेंगे, नॉट विद द होल एटम, न्यूक्लियस से डील करेंगे। देखना चाहे वो अल्फा पार्टिकल है, चाहे वो बीटा पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, वो सब न्यूक्लियस ही करेगा, न्यूक्लियस ही एमिट करेगा, ध्यान रखना इसमें। अच्छा, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी भी यही है, हेनरी बेकरेल ने इसको डिस्कवर किया था, हेनरी बेकरेल ने इसको डिस्कवर किया था, इसी के नाम पर इसकी यूनिट आती है BQ। क्या हो गया सर? वॉइस कट कट कर रहा है सर। चलो अब ध्यान देंगे। हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद न्यूक्लियर फेनोमेना। कोई भी एमिशन होगा, कोई भी एमिशन होगा, और एमिशन क्यों होता है? ताकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो सके, ताकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो सके। इसलिए क्या होता है न्यूक्लियर फेनोमेना? कोई भी एमिशन होगा, वेदर इट इज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, वो किससे रिलीज होंगे? न्यूक्लियस से। वो न्यूक्लियस रिलीज करेगा, ध्यान रखना, न्यूक्लियस एमिट करेगा। तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था 1896 में। हेनरी बेकरेल ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को 1896 में। इसी के नाम पर यूनिट्स आती हैं 1 BQ। BQ क्या? बेकरेल, बेकरेल 1, या जो मैरी क्यूरी, पायरी क्यूरी, ये भी तुमने नाम सुने होंगे, सब रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए यूनिट जो है इनके नाम पर आती है। 1 BQ जो होता है वो होता है 1 dPs, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 dPs। बेकरेल इसके नाम पर, जैसे क्यूरी बोले तो क्यूरी भी इसी के नाम पर, CI से लिखा होता है। मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ, इसको ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है CI करके, C और स्मॉल I करके। एंड दिस इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻¹⁰ dPs, क्योंकि यूनिट्स में काफी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए पता होनी चाहिए सारी। क्लियर? तो इसमें ये इसकी यूनिट्स है, और एक यूनिट और आती है, बेकरेल हो गई, क्यूरी हो गई, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी उसने भी डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, रदरफोर्ड, RD करके नोट करते हैं, RD रदरफोर्ड को। एंड दिस इज इक्वल टू 10⁶ dPs, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यही यूनिट यूज होगी ज्यादा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये यूनिट ज्यादा यूज होगी। तो ये बेकरेल के नाम से स्टार्ट हुआ है, उसने ही यूनिट दी थी। 1 BQ = 1 dPs, 1 Q = 3.7 × 10⁻¹⁰ dPs, 1 RD = 10⁻¹⁰ dPs। तो एक्सीडेंटली कहते तो एक्सीडेंटली है कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, एक्चुअल में वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था यूरेनियम एटम्स को लेकर, यूरेनियम के एटम्स को लेकर, यूरेनियम के एटम्स लिए इसने ब्लैक पेपर के अंदर, ब्लैक पेपर में यूरेनियम के बहुत सारे एटम्स थे, इस तरीके से यूरेनियम के एटम से इसको पास किया था इसने, किसी मेटल के फॉइल से, सिल्वर फॉइल, सिल्वर के फॉइल से इसने पास किया इसको, और सिल्वर फॉइल से इन एटम्स को जब पास किया, तो इसने सिल्वर की फॉइल से पास किया था, तो ब्लैक स्पॉट्स दिखे थे, ब्लैक स्पॉट्स दिखे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट जो है इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स दिखे थे, इसके ऊपर दिखे ब्लैक स्पॉट्स। इसका मतलब यहां से ये पता लग रहा है, सिल्वर की फॉइल को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स, यानी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? बहुत हाई होती है, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत हाई होती है। तो इन्हीं ब्लैक स्पॉट्स को जो दिखे थे यहाँ पे, इसको अल्फा पार्टिकल बोला गया था बाद में इनको अल्फा पार्टिकल बोला गया था। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करने की पावर ज्यादा होती है, सिल्वर के फॉइल को भी ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, सिल्वर के फॉइल को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ से डिस्कवर किए थे अल्फा पार्टिकल इस तरह से यूरेनियम एटम्स के थ्रू। तो ये कुछ ऐसे डिस्कवर हुआ था इसका, एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी अल्फा पार्टिकल की। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास टोटल न्यूक्लियाई कितने हैं? अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई किसकी, रेडियो एक्टिविटी। हमारे पास टोटल न्यूक्लियाई अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 1500 न्यूक्लियाई, 1500 न्यूक्लियाई टोटल।
इन 1500. अच्छा 1500 न्यूक्लियर कैसे पॉसिबल है, ये क्यों पॉसिबल है, 1500 नॉन न्यूक्लियर क्यों है, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास टोटल 118 ही है, 118 एलिमेंट्स है ना डिस्कवर्ड, 1500 न्यूक्लियर कैसे आ गए, कैसे आए होंगे दक्ष, श्रेया, सर आइसोटोप्स की वजह से. हाँ आइसोटोप्स और क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप, हर एक एलिमेंट के मैक्सिमम तुम देखोगे तो आइसोटोप निकलते हैं, हर एक कुछ आर्टिफिशियल आइसोटोप है, कुछ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3, ये तीन आइसोटोप्स होते हैं इसके नेचुरली अकरिंग है, अदरवाइज इसके आर्टिफिशियल आइसोटोप्स भी चेक करें तो 15 तक पहुंच जाते हैं आइसोटोप्स इसके, तो इसलिए इसलिए क्या कहते हैं ये 1500 न्यूक्लियाई, मैंने बोला 1500 न्यूक्लियाई अप्रोक्सीमेटली नोन है, 1500 न्यूक्लियाई नोन है, दैट मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स, इसमें से 275 आइसोटोप्स हैं जो क्या है स्टेबल, 275 न्यूक्लियाई ओनली आर स्टेबल, ये स्टेबल है, तो जो अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है वो क्या रिलीज करेंगे स्टेबल होने के लिए, अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट करेंगे इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, और कभी भी अल्फा एमिट होगा तो उसके बाद गामा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है ना, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद जो न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है ना तब वो गामा भी रिलीज कर देता है, तो मोर देन 99.9% केसेस में अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है और तो उसके बाद गामा पार्टिकल रिलीज होगा ऐसे ही, और गामा पार्टिकल का कोई मास नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता इसका, सही ना, चार्ज वगैरह नहीं है, नंबर नहीं है इसका, कोई मास नंबर नहीं है कोई, तो ऐसे ही अगर बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाता है अल्फा पार्टिकल को एमिट करे या बीटा पार्टिकल को एमिट करे, उसके बाद एटम चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो ये गामा पार्टिकल्स को रिलीज करता है, ये ऐसा मानते हैं, तो 1500 न्यूक्लियाई टोटल है उसमें से 275 न्यूक्लियाई जो है, 275 न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल है, वो स्टेबल है, तो बाकी जो बचे हुए न्यूक्लियाई हैं जो अनस्टेबल हैं, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल दे रिलीज, दे एमिट अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल, दे रिलीज अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल, वो रिलीज करते हैं और न्यूक्लियस रिलीज करता है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फेनोमेना, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फेनोमेना, तो ये इसको भूलना नहीं है बिल्कुल से। अच्छा अब रेडियो एक्टिविटी ये है क्या, ये एक तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भूलना नहीं है, जो डिटेल्स मैंने उसमें बताई थी वही सेम डिटेल चलेंगी इसके अंदर, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जो फॉर्मूले वहां एप्लीकेबल थे सेम फॉर्मूले यहां एप्लीकेबल होंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्लियर, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो सारे फॉर्मूले वो वैलिड होंगे, पर कुछ एक्सेप्शन होंगी जो मैं बता दूंगा अभी तुम्हें, कुछ एक्सेप्शन होंगी इसके अंदर, तो रेडियोएक्टिविटी क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है, रेडियोएक्टिविटी से रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें एक एलिमेंट कन्वर्ट होगा दूसरे एलिमेंट में, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होगा स्टेबल न्यूक्लियाई में विद द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशन, तो इस तरह से एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है स्टेबल न्यूक्लियाई में, सही ना, क्या है रेडियोएक्टिविटी क्या है, इट इज द एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्लियर, इट इज द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, एमिशन ऑफ रेडिएशन, कौन से रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, इट इज द कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई विद द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन, एंड गामा रेडिएशन, गामा क्या होती है, वेव्स होती है या रेडिएशन होती है, तो ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है, और अभी मैं डिटेल तो लूंगा इसकी, मैं भी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, तो ये न्यूक्लियर फेनोमेना होता है। अब इसके अंदर अगर हम स्टडी करें, जैसे अगर हम देखें कि मैं थोड़ा सा काइनेटिक्स से रिलेट करा रहा हूँ इसको, काइनेटिक्स से इसको थोड़ा सा रिलेट करा रहा हूँ, काइनेटिक्स और यहाँ पे ले लेते हैं रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी, काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी, ए से बी कोई भी रिएक्शन हुई, इसमें मैं लिखता था रेट कॉन्स्टेंट के, कोई डिफरेंस नहीं है, ए से बी कोई कोई फेनोमेना हुआ न्यूक्लियर फेनोमेना,
ए से बी हुआ, इसमें मैंने लिखा यहाँ पे एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। यहाँ क्या बोलते हैं, डिके कांस्टेंट, बिल्कुल सेम चीज है और कोई डिफरेंस नहीं है खास इसमें। अच्छा, एक ये होता है केमिकल फेनोमेना, दिस वॉज ए केमिकल फेनोमेना, और ये क्या है, न्यूक्लियर फेनोमेना, यानी न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, ये केमिकल फेनोमेना, केमिकल, इसमें कंसंट्रेशन लेंगे तो इसमें न्यूक्लियाई लेंगे, इसमें कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग रेट था, इसमें न्यूक्लियाई रिमेनिंग न्यूक्लियाई के कॉरस्पॉन्डिंग रेट होगा। तो अब इसमें मैं अगर लिखता हूँ, ध्यान देंगे, इसमें अगर मैं लिखूंगा जैसे ए जो है टाइम के साथ साथ डीकम्पोज करेगा, ए जो है टाइम के साथ साथ डीकम्पोज करेगा, तो हम लिखते थे माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जिसको मैं लिख रहा हूँ के ए, ताकि के भी आ जाए। ए क्या है, रिमेनिंग ए क्या है, रिमेनिंग ए, जो ए माइनस एक्स था, याद होगा सबको ए, और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो मोल्स हैं ए के या कंसंट्रेशन है ए का कम होगा। पहले माना मैंने 50 मोल थे और अब बचे 20 मोल, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव, 20 माइनस 50 नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं, ये सबको पता है कि डिक्रीज करता है टाइम के साथ साथ रेट। ऐसे ही मैं इसके अंदर लिखूंगा, इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, ध्यान सुनना लाइन, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा और गामा पार्टिकल जो भी है, वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई के, वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई के, इसलिए मैं लिख रहा हूँ माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस क्यों लगाया, सबको समझ आ गया होगा, प्रोपोर्शनल टू एन होगा, इज इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं लैम्डा एन। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, माइनस डी एन बाई डी टी जो है, इसको लिख लेना खुद, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके है, माइनस डी एन बाई डी टी इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, और एक्टिविटी, ये वर्ड भी यूज करेंगे, और एक्टिविटी प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल किसके है, एन के, एन क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, जो बचा हुआ अमाउंट है, जैसे यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन था ए का, यहाँ पे ये रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, क्लियर, इट इज रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो माइनस डी एन बाई डी टी, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कह लो, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कह लो, या फिर इसको एक्टिविटी कह लो, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एन, लैम्डा क्या यहाँ पे, डिके कांस्टेंट, लैम्डा क्या यहाँ पे, डिके कांस्टेंट। डेरिवेशन में यहाँ पे ओरली बता, डेरिवेशन सबको आती है इसकी, बताने की जरूरत है, ऐसे डेरिवेशन होगी तो क्या आएगा इसमें, इसको मैं एक छोटे से फॉर्म में और लिख देता हूँ, पहले इसको मैं लिखता हूँ रेट, इसको मैं लिखता हूँ रेट, रेट इज, चलो पहले डेरिवेशन देख लो, पहले डेरिवेशन देख लो फिर बताता हूँ डेरिवेशन इसमें क्या होगा। अब डेरिवेशन में क्या होगा, अब dn by n इज इक्वल टू लैम्डा डी टी, माइनस में n जो है, इनिशियली n नॉट था, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट थे, अब बचे हुए न्यूक्लियाई n है, तो इसलिए n नॉट से n जाएगी लिमिट, और टाइम जाएगा हमारा 0 से t, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सबको इंटीग्रेट करना आता है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये डेरिवेशन मैंने बहुत बार कराई है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में, किसी को बताने की दोबारा जरूरत तो नहीं है। एन इज टू एन नॉट ई की पावर, एन क्या है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, एन क्या है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, एन नॉट क्या है, इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल 100 थे, अब बचे 25, तो उस टाइप से ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ग्राफ इसका सेम फर्स्ट ऑर्डर वाला ही जाएगा, जैसे वो डिके कर रहा था सेम वैसे ही ये भी डिके करेगा, यही सेम ग्राफ चलेगा इसका भी, n वर्सेस टाइम का, इनिशियली n नॉट था, n नॉट से अब डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जीरो को भी नहीं हुआ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इनिशियली क्या था, n नॉट, डिके करेगा टाइम के साथ साथ, इस टाइम पे इतने न्यूक्लियाई हैं, इस टाइम पे इतने न्यूक्लियाई हैं, इस तरीके से। तो ये ग्राफ वही एक्सपोनेंशियल जाएगा, क्योंकि तो यहाँ डेरिवेशन में पता लग रहा है कि एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है रिमेनिंग न्यूक्लियाई, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ पे हमारा n जो टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी आएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। डेरिवेशन सबको मैंने बता रखी है पहले बहुत डिटेल में, बहुत सारी डेरिवेशन हमने की हुई ऑलरेडी। अब रेट यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, रेट यहाँ पे क्या आ गया, के एन, ध्यान देंगे दोबारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेट आ गया लैम्डा एन,
रेट आ गया लैम्डा एन, एन को मैं लिखता हूँ या आर लिख रहा हूँ मैं इसको, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ गया ई की पावर माइनस लैम्डा टी, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ गया। अब इसमें ध्यान देना, मैं इसको एक लाइन लिख रहा हूँ, देखते हैं किसको समझ आ गया। आर इज इक्वल टू आर नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, किसको डाउट है इसमें, इस लाइन में किसको डाउट है, देखो एट t इज इक्वल टू जीरो इनिशियल टाइम पे, इनिशियल टाइम पे आर नॉट जो है रेट जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा कि नहीं। इनिशियल रेट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल न्यूक्लियाई क्या है एन नॉट, रेट आर नॉट इज इक्वल टू आर लैम्डा इनटू एन नॉट, लैम्डा इनटू एन नॉट, तो ये भी लिखते हैं आर इज टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, आर इज टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, कोई भी डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत, चलो मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ। हो गया यहाँ पे, इसके अलावा सेम वही फॉर्मुलेस वैलिड होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए थे, सारे फॉर्मुलेस वैलिड होंगे वही जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए थे। यहाँ पे मेरा a जो टू इस केस में आएगा, मेरा a जो टू a नॉट e की पावर माइनस kt, इसमें आया n जो टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, इसमें हमारा आ जाएगा रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो होंगे, रिमेनिंग न्यूक्लियाई आ जाएगा, जैसे इसमें इसमें क्या आता था a जो टू a नॉट हाफ की पावर n, याद है ना अमाउंट लेफ्ट, पूरी डेरिवेशन कराई हुई है इसकी मैंने, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू a नॉट e की हाफ योर n, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट हाफ की पावर n, पहली हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 2 बचा, सेकंड हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 4 बचा, याद है ना, तो nth हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा n नॉट इनटू हाफ की पावर n, n नॉट इनटू हाफ योर n, और उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू n इनटू t हाफ, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू n इनटू t हाफ, n क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला भी यहाँ से आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन नॉट इनिशियल न्यूक्लियाई बाय में फाइनल न्यूक्लियाई एन नॉट बाय एन। यहाँ पे हम बात करते थे इनिशियल कंसंट्रेशन की अपॉन ए नॉट बाय ए, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, इसमें बात करेंगे इनिशियल न्यूक्लियाई बाय फाइनल न्यूक्लियाई, इनिशियल न्यूक्लियाई बाय फाइनल न्यूक्लियाई, इसकी बात करेंगे आप, और टाइम यूनिट्स जो होंगी वही होगी टाइम यूनिवर्स इधर भी और टाइम यूनिवर्स इधर भी, दोनों जगह टाइम यूनिट सेम रहेंगी। अब यहाँ पे जो के था ध्यान देंगे, यहाँ जो के था, के जो था यहाँ पे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता था, के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, क्या इस पे डिपेंड करेगा, इसके इसमें डिपेंड करेगा क्या, रेडियो एक्टिविटी में क्या डिपेंड करेगा, बोलेंगे क्या डिपेंड करेगा इसमें कि नहीं, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना क्या होता है, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, दिस इज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये ढकता है इसके अंदर, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर के। यहाँ पे हमारी अरहेनियस इक्वेशन वैलिड थी, यहाँ पे k जो टू a e रेस टू माइनस ea बाय rt ये वैलिड है, यहाँ पे जो है वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, अरहेनियस इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। इस केस में फिर हम एक बार मैं ऊपर रख दूँ, इसी में रब कर रहा हूँ मैं, नोट कर लिया तुमने, नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से, यस सर कर लिया। हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर टी हाफ निकालते थे, वो तुम्हें आता है, टी हाफ होता है 0.693 बाय के, इधर का टी हाफ क्या आ जाएगा, इधर का टी हाफ क्या आएगा 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे भी एवरेज लाइफ क्या थी, एवरेज लाइफ वॉज 1 बाय
वन बाय क्या थी एवरेज लाइफ के, तो यहाँ पे भी एवरेज लाइफ क्या होगी, एवरेज लाइफ मीन मीन लाइफ, मीन लाइफ इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द लाइफ, एवरेज लाइफ क्या होती है, इट इज एवरेज ऑफ ऑल द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इन ए सैंपल, इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल, एवरेज लाइफ जिसको हम इस केस में टाउ से डिनोट करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर एवरेज लाइफ में, और फिजिक्स में पढ़ोगे तुम ये वाली चीज, टाउ से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल, प्रेजेंट इन ए गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल, और ये होती है हमारी एवरेज लाइफ जो होती है, दिस इज इक्वल टू ये आएगा वन बाय के, तुम खुद सोच के देखो ना, जितना ज्यादा के नहीं लैम्डा, जितना ज्यादा लैम्डा होगा या जितना ज्यादा के होगा उतनी जल्दी सब्सटेंस डिके करेगा, उतनी जल्दी सब्सटेंस डिके करेगा, तो लाइफ क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी, लाइफ क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी, हम एग्जैक्ट लाइफ एवरेज लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट लाइफ तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये कभी पूरा खत्म होता ही नहीं है, तो एवरेज लाइफ के टर्म्स में इसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सॉल्व करोगे ये 0.693 बाय टी हाफ होता है, 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 ऊपर आएगा टी हाफ, तो इसको सॉल्व करेंगे टाओ आ जाएगा यहां से 1.44 टी हाफ, 1.44 टी हाफ, तो ये आ जाएगी इसकी, तो यहां से अब क्या हाफ लाइफ बढ़ी है कि एवरेज लाइफ बढ़ी है, एवरेज लाइफ बढ़ी है कि हाफ लाइफ, सही ना, एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ, क्लियर, एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ, तो ये यहां पे एवरेज लाइफ की डेफिनेशन रिपीट करने का, एक बार दोबारा पूछना, कौन पूछ रहा है, कुछ पूछना है किसी को, दक्ष, चलो नेक्स्ट, हां दक्ष बोल, एवरेज लाइफ की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो सर, एवरेज लाइफ क्या, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द लाइव्स, इट इज द एवरेज ऑफ द मीन ऑफ ऑल द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, मीन ऑफ ऑल द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल, तो इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा जितना ज्यादा डीके कांस्टेंट जितना ज्यादा उसकी लाइफ उतनी कम, तो टाओ इज इक्वल टू 1 बाय के, सर रेडियो एक्टिविटी कैटलिस्ट के इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, ओके, बहुत हाई टेंपरेचर पर होता है कैटलिस्ट कोई फर्क नहीं डालेगा ऊपर, कैटलिस्ट कोई फर्क नहीं डालेगा, टेंपरेचर कोई फर्क नहीं डालेगा, ऑलरेडी 5000 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, उसमें 10 केल्विन टेंपरेचर बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को कुछ पूछना है, अच्छा अब सेम इसके अंदर सीरीज और पैरेलल वाली इक्वेशंस, सेम इक्वेशंस वैलिड होंगी, कहोगे तो लिख देता हूं उसको, सीरीज और पैरेलल वाली इक्वेशंस सारी वैलिड होंगी इसके अंदर, लिख दूं क्या उसे, चलो एक बार वो भी देख लो, सीरीज और पैरेलल वाली इक्वेशंस, वो सेम इक्वेशंस वैलिड होंगी, मैं इसके अंदर सीरीज और पैरेलल वाली इक्वेशंस बता रहा हूं तुम्हें, जो इक्वेशंस काइनेटिक्स में वैलिड थी वो सेम इक्वेशंस इसके अंदर भी वैलिड होंगी, वो सेम इक्वेशंस इसके अंदर भी वैलिड होंगी, तो उसके लिए काइनेटिक्स वाली बात मैं लिख रहा हूं, मैं फिर उसको चेंज करता रहूंगा साथ साथ, और यहां पे रेडियो एक्टिव, तो काइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि एज और एक्शन होती थी, एज और एक्शन होती थी, के वन आता था के टू आता था, बी बनता था सी बनता था, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं मैं, अब यहां पे इसमें क्या ले लेंगे, ए से क्या ले लेंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू, यहां क्या बनेगा बी और सी, बस यहां डीके कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, अब यहां पे जो हमारा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू आएगा, वहां पे के वन प्लस के टू लिखते थे एवरेज के, यहां पे लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू आ जाएगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, दिस इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log of n नॉट by n, n नॉट by n, वहां पे a नॉट by a लिखते थे, यहाँ n नॉट by n लिखेंगे, और परसेंटेज जो होगा b का वहां पे आता था k2 by k1 plus k2, यहाँ लिख देंगे क्या lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2, lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2 into 100, into 100,
तो वही सेम चीज आनी है, एन इज इक्वल टू एन नॉट आ जाएगा इसके अंदर, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस में लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू टी। सारी डेरिवेशन हो चुकी है काइनेटिक्स के अंदर, ये काइनेटिक्स के अंदर सारी डेरिवेशन कराई है पैरेलल रिएक्शंस की, तो वही चीज आएंगी सारी डेरिवेशन बिल्कुल, तो ये आ जाएगा। और अल्फा जो आएगा इसमें क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू किसी को भी याद हो, डिराइव कराया हुआ है अक्षज, तूने आंसर दिया था लास्ट टाइम अक्षज, अल्फा का सुपर एन। यस सर। हां पर्यंत बोल, पर्यंत बोल। 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी। हां लैम्डा क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जाने के नहीं है इनटू टी। यस सर। हां ये अल्फा था डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आईआईटी में पूछा हुआ इसका क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस में था क्वेश्चन, उसका एक एक ऑप्शन था ये, तो ये इसलिए ध्यान रखना इसके अंदर, ये हम अल्फा निकालते हैं डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ये इसमें निकालते थे हम, सही ना। तो ये इसी तरह से चलेगा, और पैरेलल इक्वेशन में किसी को भी याद हो, देखते हैं किसको याद है, कंसंट्रेशन ऑफ बी फर्स्ट टाइम पे देखो कौन बोलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी सर, बी की कोई भी जो ऊपर लैम्डा तो नहीं आएगा। हां सर बी की परसेंटेज में ऊपर लैम्डा बन जाएगा, बी की परसेंटेज में, हाँ हाँ लैम्डा बनाएगा वो, तो कर लेना कुछ, ये लैम्डा बनाएगा, ये करेक्शन कर लिया करो साथ साथ ही अगर कुछ हो जाता है सर। अच्छा ये कंसेप्शन बी कौन बोलेगा फर्स्ट टाइम पे, तुम लोग बहुत टाइम लगा देते हो उसमें करने में, नहीं याद किसी को भी सर, तुषार, तुषार बोल 2 lambda 1 upon lambda 1 plus lambda 2. 2 lambda 1, 2 lambda 1 कैसे आ गया? नहीं याद तुम्हें, lambda 1 concentration of B, बोल पर जल्दी, lambda 1 upon lambda 1 plus lambda 2 into A decomposed, A decayed, हाँ, बिल्कुल सही है, A decomposed या A decay, तुम लोग नहीं पढ़ रहे घर पे बिल्कुल भी, ये पूरा derivation कराया हुआ मैंने इसका, इसकी derivation कराई हुई है पूरी, dv by dt is equal to lambda 1 into concentration of a करके, ऐसे ही concentration of c क्या आ जाएगा, lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2 into a decomposed, a reacted, जो क्या होगा a minus a naught e की power minus lambda 1 plus lambda 2 t, तो ये तुम्हें ध्यान आ गया होगा, और ऐसे ही t half भी निकाल लेंगे इसका, 0.693 upon में k, k क्या होगा lambda 1 plus lambda 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और एस जैसे मैंने ये लिखा इसके अंदर सेम इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है, और सेम अब सीरीज के अंदर इक्वेशन याद है, सीरीज के अंदर कैसे करते थे, सीरीज के अंदर एक बी प्लस सी था, अगर मैं इसी का लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज या इसी पेज पे लिख रहा हूँ मैं, रब कर दूं ये सारा, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है yes, sir. Yes, चलो चलो फिर मैं इस साइड लिख देता हूँ, टाइम नहीं तो शॉर्ट पड़ जाता है, ए गिव्स बी गिव्स सी, सपोज ये है सीरीज इक्वेशन लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये सारी डेरिवेशन कर चुके हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा ताकि क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, ए गिव्स बी, ये सीरीज वाली इक्वेशन भी वैलिड होंगी इधर, ए गिव्स बी गिव्स सी लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये आएगा, इस केस में भी, इस केस में भी माइनस डी आई बाई डी टी क्या था, माइनस डी आई बाई डी टी क्या था, lambda 1 into concentration of a, lambda 1 into concentration of a, और dv by dt क्या था याद है किसी को, ये बहुत important, yes, sir. जिसमें हाँ जिसमें derivation की थी मैंने वो differential equation form बना के, yes sir, lambda 1 a into concentration of a minus lambda 2 into b concentration, हाँ b जो है a से बन रहा है इसलिए positive, B जो है C में डिकम्पोज हो रहा है लैम्डा 2 की स्पीड से, तो इसलिए नेगेटिव ये आ जाएगा। फिर मैंने तुम्हें बताया था इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, dv by dt को जीरो करके लैम्डा 1 a = लैम्डा 2 b, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है पूछने के लिए, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, सही ना। तो ये था हमारा सीरीज इक्वेशन, dv by dt ऐसे था, और ऐसे dc by dt क्या था, लैम्डा 2 * b, लैम्डा 2 * कंसंट्रेशन ऑफ b, इससे हमने सारी डेरिवेशन निकाली थी, जो हमारा a आता था इधर से a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1 टी आया था, ए क्या आता था, ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी,
ये सारी डेरिवेशन हमने की हुई है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी किसी को याद है क्या आता था इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ बी यस सर किसको आता है? अर्पित बोल अर्पित। लैम्डा वन ए नॉट अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इनटू में ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टू टी। बहुत अच्छे अर्पित बहुत अच्छे। डेरिवेशन डेरिवेशन मैंने करा रखी है इसकी, डेरिवेशन इसकी करा रखी है। कंसंट्रेशन ऑफ बी जो आता था वो आता था लैम्डा वन ए नॉट वही के वन ए नॉट बाय के टू माइनस के वन यानी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की और माइनस के टू टी लैम्डा वन टी लैम्डा वन लैम्डा टू टी। तो ये सब कर चुके हैं वो डेरिवेशंस। बी का कंसर्न ये आया था। टी मैक्स तो याद होगा सबको, टी मैक्स क्या आता था? तो 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 ये आ जाएगा। बाकी बी मैक्सिमम ये सब निकाले हुए हैं तुमने। मैंने एक हिंट दे दिया कि काइनेटिक्स से पूरा रिलेटेड है रेडियो एक्टिविटी, काइनेटिक्स से पूरा रिलेटेड है रेडियो एक्टिविटी। कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन सुनेंगे और आंसर निकालना है फास्ट। पहला क्वेश्चन, इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेस फ्रॉम 800 टू 550। इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल, कोई भी एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, क्वेश्चन खत्म होते आंसर ट्राई करना निकल जाए। इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल number of nuclei decreases from say 800 to 50 in 12 years ले देते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, कभी को तो बहुत जल्दी डिके हो जाएगा और कभी मतलब तुम्हें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, 100 साल 200 साल ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना इसमें रेडियोएक्टिव जो है बहुत स्लो प्रोसेस भी होता है, रैंडम प्रोसेस है लेकिन स्लो हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है, बहुत साल लगते हैं इसको होने में। और तुम्हें निकालना है फाइंड लैम्डा एंड टी हाफ फास्ट। बोलो आंसर किसने निकाल लिया है? नहीं निकला किसी का? चलो देखेंगे। तो ओरल क्वेश्चन था बिल्कुल। दक्ष आंसर बोल। 0.23 हाँ बिल्कुल सही है। और किसने निकाल लिया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चाहो तो तुम लैम्डा निकालना, लैम्डा निकाल के कर लो। लैम्डा क्या होगा? 2.303 बाय टी। टी कितना है? 12 साल। लॉग ऑफ इनिशियल कितना है? 800 न्यूक्लियाई। फाइनल कितना बचा? 50। तो इससे निकाल लेंगे, इससे निकल जाएगा लैम्डा निकल जाएगा, उससे टी हाफ निकाल लेंगे। यही तो क्वेश्चन है, लैम्डा निकल जाएगा, टी हाफ निकाल लेंगे। और कोई तरीका? ये पूरा कैंसिल हो रहा है, देखो एक जीरो गया, ये गया, कितना आ गया? 16 आ गया। 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2.303 बाय 12, 4 log 2 आ गया, log 2 है 0.3,
log 2.3 है 4 into 0.693 हो गया by 12 आ गया तो ये आ गया सीधा 0.231 देखते ही पता लग रहा है 0.231 ईयर इनवर्स ईयर है ना हाँ ईयर इनवर्स ये आ गया हमारा क्या कहते हैं लैम्डा और हाफ लाइफ निकालनी है हाफ लाइफ दिख रही है इसके अंदर टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा लैम्डा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 4 इंटू 0.693 इंटू 12 सॉल्व करेंगे 3 आ गया सीधा इतना टाइम तो लगना ही नहीं है इसके अंदर देखते पता लग रहा है 800 से 50 पहुंचना है 800 से 50 कितनी हाफ लाइफ है 800 से 400 एक हाफ लाइफ 400 से 200 दो हाफ लाइफ 200 से 100 तीन हाफ लाइफ 100 से 50 चार हाफ लाइफ लगनी है इसके अंदर चार हाफ लाइफ लगी हुई है चार हाफ लाइफ जो है वो किसके इक्वल है 12 साल के इक्वल है चार हाफ लाइफ 12 साल के इक्वल है तो टी हाफ कितना आ गया सीधा 3 800 था 800 से 400 होने में एक हाफ लाइफ 200 होने में दो हाफ लाइफ 100 होने में तीन हाफ लाइफ 50 होने में चार हाफ लाइफ चार हाफ लाइफ लग रही है तो हो गया क्वेश्चन ये सोचना नहीं है कुछ इसमें चार हाफ लाइफ लग रही है ये चार हाफ लाइफ के इक्वल है टोटल टाइम इज इक्वल टू एंटी हाफ लगा दो उससे भी हो जाएगा अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू मैंने जो फॉर्मूला बताया अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू ए इंटू हाफ रेज टू एन उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला पीछे बताया था ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ओवरऑल होता है क्वेश्चन खत्म हुआ और आंसर मिल गया इस टाइप से होना चाहिए क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है सपोज इनिशियली वी हैव हमारे पास है सपोज 1000 न्यूक्लियाई हमारे पास है एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स से वी हैव 900 न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 1000 से हो गए 900 हो गए कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 20 सेकेंड्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स कुछ भी पूछ सकते हैं 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर बोलेंगे आंसर 800 810 हाँ किसने बोला आंसर बोलो दोबारा बोलो